और अप्लाइड फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम हमने पास किया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। चैप्टर बताया गया है ऐसी फोर्सेज जो किसी भी बॉडी को टर्न करते हैं, किसी भी बॉडी को करते टर्न करते हैं, करते किसी बॉडी को करते टर्न करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, एंटीक्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवा दे, मूव करवा दे, उसे हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप लोगों के पास डेफिनेशन है लाइक पैरेलल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स आप लोगों के पास क्या है? लाइक पैरेलल फोर्स आर द फोर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। कहना क्या चाह रहा है? ऐसी फोर्स जिनकी आप लोगों के पास डायरेक्शन भी सेम हो, ऑपोजिट ना हो, पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप लोगों के पास ये दो फोर्स हैं, ये दो फोर्स हैं, अगर आप लोग देखें ये किसी के पैरेलल भी है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये दोनों का एरो डाउनवर्ड है, तो आप लोगों के पास ये भी एक फोर्स है, ये फोर्स आप लोग एग्जांपल में ये आप लोगों के पास है F2। अगर आप लोग देखें दोनों फोर्स हैं किसी के पैरेलल है, पैरेलल चीज किसे कहते हैं? जो वो लाइन जो किसी का ना पैरेलल और उनमें एंगल का मान होता है 0, ऐसी लाइन जिनमें एंगल 0 मान होता है किसी का कट ना पैरेलल। अगर आप यहां पे देखें ये जो दोनों लाइन है जो कट नहीं कर रही पॉइंट के अंदर एंगल जो आप लोगों के पास 0 है, अगर आप लोग गौर से देखें तो ये फोर्स आप लोगों के पास पैरेलल भी है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये पैरेलल और डायरेक्शन भी सेम है। अब इसकी अगर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एप्पल इन द बैग, वेट ऑफ एवरी एप्पल इन द बैग वर्टिकली डाउन। आप लोग मैं कहता हूं कुछ एप्पल आप लोगों को शॉपिंग बैग, आप लोगों को शॉपिंग बैग में कुछ एप्पल इस तरह आप लोग रखे, तो जितने भी एप्पल होंगे उन सब का वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउन, मतलब कि उन सब का वेट क्या होगा? एक से परपेंडिकुलर। इस तरह से आप लोगों का डिफरेंट एप्पल्स का वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउन। तो यहां से क्या पता चलता है कि आप लोगों के पास लाइक पैरेलल फोर्स ऐसी फोर्स होती है दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। सब एप्पल्स की फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। फॉर एग्जांपल एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, वेट ऑफ द एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ आपने कोई एप्पल हैंग किया हो, ठीक है ना? अब क्या होगा, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये एप्पल को अपवर्ड नीचे दी और ये जो एप्पल है डाउनवर्ड जाएगा। अगर देखें इन दो आप इन दोनों में कोई भी फोर्स लागू होंगे, वो फोर्स एप्पल पे लागू होगी और एक वो फोर्स आप लोगों के पास लागू होगी किस पे? स्ट्रिंग पे। याद रखिएगा जो स्ट्रिंग पे फोर्स लगते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेंशन, जो हम लोग कहते हैं टेंशन। तो यहां से पता चलता है कि डायरेक्शन देखें इसका एरो डाउनवर्ड है, इसका एरो क्या अपवर्ड है, तो इनकी आप लोगों के पास है तो ये पैरेलल है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। ये चीज बताना चाह रहा है Apple is suspended by a string. Weight of the apple, weight of the apple vertically downward. Apple का होगा downward होगा, but tension in the string. Tension क्या? Force present in the string. आप लोग लिख रहे हैं कि tension आपके पास क्या है? Force present in the string. तो वो हमारी force जो है आपके पास string में present होती है, तो apple का weight तो downward होगा, लेकिन string क्या करेगी? एप्पल को अपवर्ड खींचेगी। आपको तो पता है नॉर्मल सी बात है, जब स्ट्रिंग के साथ किसी चीज को बांध तो स्ट्रिंग क्या करती है? किसी चीज को ऊपर की तरफ पकड़ के रखती है, हैंग करके रखती है, लेकिन जो चीज आप लोगों ने बांध दी होती है वो नीचे की तरफ जाती है। ये चीज बता रहा है वेट ऑफ द एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां पे क्या